गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर, द राइटर इज आर के लक्ष्मण। अब सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर के अंदर तीन कैरेक्टर्स बताए गए हैं। एक है ईश्वरन, जो कि कहानी सुनाने का काम करता है, यानी कि वो एक कुक है और वो कहानी भी सुनाता है अपने मालिक को। और उसका मालिक कौन है? महेंद्र। महेंद्र जो है वो ईश्वरन का मालिक है। तो ईश्वरन जो है वो महेंद्र का कुक है, और वो कुक होने के साथ साथ उसको एंटरटेन करने के लिए अलग अलग तरह की कहानियाँ भी सुनाता है। तो अब यहाँ पर ये कहानी जो है, ये महेंद्र अपने एक मित्र गणेश को सुना रहा है। किसको सुना रहा है? महेंद्र अपने दोस्त गणेश को सुना रहा है कहानी, और वो बता रहा है महेंद्र अपने कुक ईश्वरन के बारे में, जो उसको अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाया करता था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। महेंद्र जो कि अनमैरिड था, क्या था महेंद्र? अनमैरिड, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी, और वो एक जूनियर सुपरवाइज़र के तौर पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था तो लोगों के काम पर नज़र रखना, देखभाल उसकी करना कि किस प्रकार से काम हो रहा है, यानी कि सुपरवाइज़ करने का काम जो था वो महेंद्र का था। और महेंद्र, जैसे कि मैंने बताया कि वो अनमैरिड था, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो साइट्स होती थी, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर जो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए जाते हैं, वो वहाँ पर रहने का काम करता था। यानी कि वो अनमैरिड था, तो ऑब्वियसली वो जहाँ काम चल रहा होता था वहीं पर जो कंपनी के जो शेल्टर्स, जो भी मकान बनाए जाते हैं, जो भी टेम्पररी मजदूरों के और सबके रहने के लिए, वो वहाँ पर रहता था। ईश्वरन जो था वो अकेला था, इस कारण से वो एक कुक भी था और वो भी अकेला ही था। तो वो महेंद्र के पास हमेशा, जहाँ भी महेंद्र जाता था वो उसके साथ चला जाता था, क्योंकि वो भी, जैसे मैंने बताया, अकेला ही था और वो महेंद्र को कंपनी देने का काम करता था। और वो क्या करता था? वो खाना भी बनाता था। किसके लिए? महेंद्र के लिए। वो उसके कपड़े भी धो देता था, और उसको एक कंपनी, यानी कि एक साथी के तौर पर भी उसके साथ वो रहता था। और महेंद्र कहता है कि ईश्वरन, जो भी खाने की चीज़ें चाहिए, यानी खाना बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो इतनी जल्दी जुटा लेता था कि आदमी यकीन नहीं करता। यानी कि खाना बनाने के लिए आदमी सोचता है अभी सब्जी कहाँ से लाऊं, ये कहाँ से लाऊं, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था ईश्वरन कि वो पता नहीं लगता था कहाँ से बहुत जल्दी ही सारा खाने का सामान जुटा लेता था। हर सुबह महेंद्र जो था वो उस काम के लिए तैयार होता था, और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करता था, और अपने लंच वो साथ में ले जाता था जब वो काम पर जाता था। और उसी समय जब वो वापस आता था, ईश्वरन पूरे घर को साफ करता था। उसके जो भी जहाँ रहता था वो उस रूम को अच्छे से साफ़ करना, उसके कपड़े धो देना, फिर वो ईश्वरन नहा लेता था और अपना खाना खा के फिर अपनी तमिल स्टोरी बुक, जो उसकी फेवरेट बुक थी, किसकी बात करें? हम ईश्वरन की बात करें, ईश्वरन की एक स्टोरी बुक जो कि फेवरेट थी उसकी, तमिल स्टोरी बुक, वो पढ़ने लगता था, और पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर सो जाता था। यानी कि देखिए, दो ही लोग थे वहाँ पर, एक था महेंद्र, और महेंद्र सुबह उठ के नाश्ता करके अपना लंच लेके वो चला जाता था काम पे, पीछे बचा के ईश्वरन जो कि उनका उसका कुक था और नौकर था। ईश्वरन क्या करता था? वो घर साफ वगैरह करके, अपना नाश्ता करके, लंच करके, और अपनी स्टोरी बुक पढ़ते पढ़ते वो सो जाता था। शाम की बात की जाए, ईश्वरन जब महेंद्र जब घर आता था तो ईश्वरन उसको लंच डिनर बना के देता, और इसके साथ साथ वो उसको स्टोरीज भी सुनाता था, यानी कि उसको एंटरटेन करने के लिए कहानियाँ भी सुनाता था। और जो कहानी सुनाने की कला जो थी, यानी कि कहानी सुनाने में बहुत ही एक्सपर्ट था, और वो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स के द्वारा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपनी आवाज़ बदल बदल के इस प्रकार से वो कहानी सुनाता था कि जैसे कैरेक्टर्स के अंदर लाइफ आ गई हो। यानी कैरेक्टर्स को वो ऐसे, आपने देखा है ना कहानियाँ सुनाते वक्त, अगर सिंपल कहानी सुनाई जाए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा अपने हाथों को हिलाकर, बॉडी पोस्चर के साथ, और साथ में वो अपने एक्सप्रेशंस देता हुआ और अपनी आवाज़ बदल बदल के आपको अगर कहानी सुनाए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे ही उसको बहुत मज़ा आता था। स्टोरीज जो थी वो अनट्रू होती थी, यानी कि वो सब झूठी होती थी, यानी काल्पनिक कहानियाँ होती थी, लेकिन फिर भी उनको इस तरीके से, इस यूनिक वे में नरेट किया जाता था कि महेंद्र जो था वो बड़ी उत्सुकता से, बड़ी क्यूरियसिटी से उसको सुनता था, यानी कि उसको बड़ा मज़ा आता था वो सुनने में, यानी कि बड़ी ही उत्सुकता से वो सुनता था, क्योंकि सुनाने का ढंग ही इस प्रकार का था। ईश्वरन कहानी को शुरू करता था कैसे? इंट्रोडक्शन के साथ, और फिर उसके बैकग्राउंड में वो कैरेक्टर्स को ला ला कर, यानी कि कहानी इस तरीके से बुनता था कि जो आदमी सुनने वाला अपनी नज़र हटा ना पाए, और वो इस सिंपल इंसिडेंट को, एक नॉर्मल से इंसिडेंट को भी बड़ी डिटेल के साथ, पूरे एक्शन के साथ, पूरा सस्पेंस डालकर इस तरीके से सुनाता था कि लिसनर, ये सुनने वाला है, उसका दिमाग उसकी कहानी से हट ही नहीं पाता। यानी कि कला होती है कहानी सुनाना, हर एक आदमी कहानी नहीं सुना सकता है।
तो ईश्वरन जो था वो कहानी सुनाता था बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो पेश करता था। एक बार महेंद्र को उसने बताया एक कहानी, किसकी कहानी, एक एलिफेंट की जो कि जंगल में, जंगल से एस्केप यानी कि भाग गया था, जंगल से वो बाहर भाग गया था और एक टाउन में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया वो, एक टाउन में, एक शहर के अंदर। और जो बीस्ट यानी कि जो यहाँ पर बात की गई है एलिफेंट की, एलिफेंट जो था वो ईश्वरन के स्कूल में पहुंच गया भाई देखो, और उसने पूरी स्कूल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सब स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपने आप को क्लासरूम में बंद कर लिया, और उसमें ईश्वरन जो था वो जूनियर क्लासेस में पढ़ता है यानी कि प्राइमरी में पढ़ता था वो ईश्वरन, यानी कि स्कूल के सब बच्चे घबरा गए, अपने आप को उन्होंने गेट के अंदर कमरों में बंद कर लिया, और ईश्वरन प्राइमरी में पढ़ता था, छोटा था काफ़ी। और इस इंसिडेंट को वो छत से देख रहा था, किसकी बात कर रहे हैं, ईश्वरन की, कि ईश्वरन जब छोटा था तो वो इस तरह एक हाथी जो था जंगल से वो शहर की तरफ भाग आया और उसने स्कूल में तहस नहस कर दिया, सब कुछ अफरा तफरी मचा दी, और ये सब होते हुए ईश्वरन छत से देख रहा था। उसने स्टिक, एक टीचर जो था उसका, उससे एक स्टिक ली, एक लकड़ी ली, और वो सीढ़ियों से नीचे आया ग्राउंड पे, और वो हाथी की तरफ बढ़ा, ईश्वरन हाथी की तरफ बढ़ा, लेकिन हाथी जो था उसने कोशिश की कि वो ईश्वरन को डरा सके, थोड़ा उसने अपने कान वान हिलाए, दहाड़ा एक दो बार, लेकिन ईश्वरन बिल्कुल नहीं डरा, और उसने अपनी पूरी ताकत से एलिफेंट को इतनी जोर से मारा कि एलिफेंट जो था उसके मतलब पंजों पे मारा यानी कि उसके पैरों पे इतनी जोर से मारा, और इस अटैक से यानी कि जो उसने उसको मारा, उसको हिट किया उसके पंजों पे, तो एलिफेंट जो था वो दंग रह गया, वो एकदम सुन्न हो गया उससे, और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और फिर उसने आगे कहानी नहीं सुनाई, यानी कि उसने बताया कि हाथी था, मैं ऊपर से उतरा एक स्टिक लेके, मैंने जाके हाथी को बिना डरे उसके पैरों पर इतनी जोर से मारा कि वो सन्न रह गया और वहीं पर गिर गया, बेहोश हो गया वो हाथी। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं स्टोरी कंप्लीट नहीं करूंगा, चलो खाने का टाइम हो गया, डिनर करते हैं चलो। अब वो डिनर लेने चला गया, लेकिन महेंद्र के अंदर क्यूरियसिटी थी कि भाई आगे क्या हुआ, अब हाथी बेहोश जरूर हो गया लेकिन आगे क्या हुआ वो तो बताओ, तो वो और पूछने लगा, लेकिन ईश्वरन बोल रहा है कि खाने का टाइम हो गया, चलो खाना खाते हैं। अब ईश्वरन अपनी कहानी को बीच में छोड़ गया, इस कारण से महेंद्र जो था वो उसको बार बार याद दिलाता है कि भाई फिर बाद में क्या हुआ, तुमने हाथी को मारा, हाथी गिर गया, उसके बाद क्या हुआ। अब ईश्वरन बहुत ही तेज आदमी था, उसने क्या किया, उसने कहानी को फिर पहले तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए वो छोड़ देता है सब कुछ, और फिर बार बार पूछने पे वो बताता है कि फिर हमने एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया, यानी कि एक पशुओं के डॉक्टर को बुलाया, और उस पशु वाले डॉक्टर ने, पशुओं के डॉक्टर ने आके क्या किया, उस हाथी को इंजेक्शन वगैरह दिया और उसको फिर से होश में लाया, यानी कि डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसको होश में लाया, और 2 दिन के बाद एक महावत को बुलाया गया और वो एलिफेंट को फिर से जंगल में ले गया। महेंद्र ने ईश्वरन से पूछा कि तुमने इतनी जोर से उसको कैसे मारा कि वो बेहोश हो गया। ईश्वरन ने उत्तर दिया कि उसने जैपनीज मार्शल आर्ट्स की टेक्निक अपनाई थी, जैपनीज मार्शल आर्ट्स या फिर कराटे जिसको हम कहते हैं कि जूजित्सु कहते हैं, जो कि जैपनीज मार्शल आर्ट्स होते हैं, जूजित्सु या कराटे, उसने उस टेक्निक को अपनाया और इतनी जोर से उसने हाथी को मारा कि हाथी बेहोश हो गया। और वो कहता है कि मैंने जूजित्सु और कराटे के बारे में कहीं पे पढ़ा था और मैंने उसमें देखा था कि अगर किसी व्यक्ति को जोर से मारा जाए तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। अब ये देखिए कहाँ हाथी और कहाँ एक छोटा बच्चा और क्या कराटे क्या जूजित्सु, तो यानी कि एक पूरी काल्पनिक कहानी थी, लेकिन उसने सुनाया इस ढंग से कि महेंद्र का ध्यान ही नहीं हट पाया उस कहानी से, और वो बार बार उस कहानी के एंडिंग के बारे में पूछता रहा। हर रोज ईश्वरन एक कहानी उसको सुनाता था उसको एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर टेलीविजन वगैरह तो था नहीं, तो जितना भी समय वो रहते थे वो मतलब इसी तरीके से अपना एंटरटेनमेंट करते थे। एक सुबह की बात है, ईश्वरन ने परमिशन मांगी स्पेशल डिनर बनाने की, और ये वो दिन था जैसे हम बोलते हैं ना श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो ये वो दिन था जब बुजुर्ग जो होते हैं, जो पूर्वज हमारे जो कि गुजर चुके हैं इस पृथ्वी से, इस धरती पे नहीं है हमारे साथ दादा परदादा, उन लोगों के याद में एक खाना बना के जो लोगों को बांटा जाता है, खिलाया जाता है, श्राद्ध बोलते हैं जैसे, तो ईश्वर ने उस खाने के लिए परमिशन मांगी कि आज मैं स्पेशल डिनर बनाऊंगा, स्पेशल खाना बनाऊंगा हमारे पूर्वजों की याद में। और उस शाम परमिशन दे दी महेंद्र ने, तो उस दिन खाना बना बहुत ही स्वादिष्ट, काफ़ी वेराइटी वाला,
तो महेंद्र ने उस दिन बड़ा आनंद से खाना खाया और ईश्वरन के खाने की बहुत तारीफ भी की। और खाना खाने के बाद महेंद्र जो था वो रिलैक्स होने लगा, और ईश्वरन ने उसी समय उसके रिलैक्स होते होते एक स्टोरी शुरू कर दी, एक कहानी उसको सुनाना शुरू कर दिया। कहानी थी भूतों और नेचुरल सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में, यानी कि सुपर पावर्स के बारे में, यानी कि भूत प्रेतों के बारे में कहानी सुनाना शुरू कर दिया। विकी चाय मिल गई थोड़ी। अब वो बताता है, ईश्वरन बताता है कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ पर पहले एक बरियल ग्राउंड था। बरियल ग्राउंड का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, यानी कब्रिस्तान था। और पहले दिन उसने वहाँ पर एक ह्यूमन स्कल देखी पड़ी हुई, ह्यूमन स्कल मतलब इंसानी खोपड़ी उसने पड़ी हुई देखी थी। और उसने कहा कि उसे भूतों से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसने बहुत सारी बोन्स और स्कल्स देखी हैं। यानी कि ईश्वर बता रहा है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन जहाँ पर उसने वो लोग हैं अभी, उस जगह पर एक बरियल ग्राउंड था पहले। और एक फुल मून नाइट की बात की गई है, एक पूर्णमासी की रात जब कंप्लीट सन मून रहता है। उसने एक घोस्ट वुमेन को भी देखा था, एक बहुत ही भद्दी दिखने वाली चुड़ैल को देखा था, जो जिसका जो फेस था वो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पास एक अनबॉर्न बेबी उसकी हाथ में था, यानी कि एक बच्चा था, दैट वॉज अनबॉर्न बेबी कहा गया है, वो उसके हाथ में था। यानी कि एक चुड़ैल के रूप में एक औरत को उसने डिस्क्राइब किया है। महेंद्र ये सुनकर बहुत अनईजी फील करता है, उसको घबराहट होती है और डर जाता है। और वो ईश्वरन को डांट देता है, चिल्ला देता है उसके ऊपर भी, क्या बकवास कर रहे हो तुम, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। और उसको कहा कि तुम जाओ और अपना इलाज करवाओ, तुम पागल हो गए हो, कोई भी चीज़ कोई भूत प्रेत होते ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही फेंक रहे हो। तो महेंद्र यानी कि उसकी बात को नकार देता है कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, तुम फालतू डरा रहे हो मुझे। सिंस दैट डे, उसी दिन से महेंद्र जो था उसको अनइजी फील होने लगा। और वो रात को उठकर विंडो से बाहर देखता था, बार बार चेक करता था। क्या चेक करता था वो देखता था कि बाहर कोई गोश्त तो नहीं आ गया। अब देखिए, ईश्वरन का स्टोरी बताने का तरीका इतना जबरदस्त था कि उसकी बात को सही मान लेता था आदमी, यानी कि इंसान उसकी बात को झुठला ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर उसने बताया कि भूत यहाँ पर मैंने देखा है, एक चुड़ैल देखी, और यहाँ पर ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर मैंने स्कल खोपड़ी देखी, हड्डियाँ देखी। अब ये चीज़ें देखकर, अब ईश्वरन जो था इसकी ये कहानी सुनकर, महेंद्र के मन में एक डाउट हो गया। और वो रात को उठ उठ कर देखता था, खिड़की से बाहर झांकता था कि कहीं भूत तो नहीं है। लेकिन एक रात महेंद्र जब अपनी नींद से जागा तो उसको कुछ रोने का आवाज़ सुनाई दी, रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसको लगा कि कोई बिल्ली चूहे को देख रही होगी, यानी उसके पीछे दौड़ रही होगी, या फिर उसको ढूंढ रही होगी। और ये जो साउंड था वो धीरे धीरे हार्श होने लगा और ज़्यादा डीप होने लगा। तो अब महेंद्र जो था वो इसको इग्नोर नहीं कर पाया। जब ये साउंड बढ़ने लगा तो वो अपनी विंडो से बाहर झांकने की उसने हिम्मत की। और जैसे ही उसने बाहर देखा तो बाहर सफ़ेद मूनलाइट के अंदर, जो चंद्रमा की रोशनी थी, उसके अंदर एक डार्क शेडो, यानी कि एक परछाई, एक डार्क शेडो, यानी कि आप चांद की रोशनी में आप देखोगे तो आपको दूर से वो चीज़ का आकार ही दिखेगा। और ऐसे एक डार्क शेडो दिखाई दी जिसके हाथ में एक बंडल था। और जैसे ही उसने देखा उसके तो पसीने छूट गए, वो तो कांपने लगा, उसकी तो सांसें ऊपर नीचे हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको सांस चढ़ गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो फिर से बेड पर गिर गया। कुछ समय के बाद महेंद्र को लगा कि शायद उसका मतलब ये कुछ ट्रिक है, यानी कि वो सही नहीं है, उसने जो देखा है ये शायद उसने मतलब उसके मन का एक वहम है, उसके दिमाग का एक वहम है, बाहर कुछ नहीं है। और उसने कहा कि एक्चुअल में तो कोई गोस्ट है ही नहीं। तो फिर से अगले दिन शुरू उठा और अगले दिन वो काम पे जाने के लिए तैयार होने लगा। और वो कल की रात के बारे में सब कुछ भूल चुका था, भूल गया था कल रात को जो हुआ था, जो उसने गोश्त देखा था। फिर ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग कहा, और उसको लंच बैग दिया, उसको जो लंच लेकर वो जाता था काम पे, वो लंच दिया। और उसने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर महेंद्र ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें डांट दिया था भूतों की बात बताने से, लेकिन कल रात मैंने खुद भूत देखा। ईश्वरन
ने कहा कि मुझे भी सुनाई दिया था कि तुम कल रात को रो रहे थे, कल रात को बहुत घबराए हुए थे। और इस तरीके से ये कंफर्म हो गया, यानी कि पहले महेंद्र को क्या लगा कि शायद उसने जो खिड़की से बाहर देखा वो सपना था, यानी कि वो बिलीव नहीं कर रहा था कि वो सही था। लेकिन जब महेंद्र को ईश्वर ने बताया कि मैंने देखा था कि तुम कल रात को रो रहे थे, तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि पिछली रात उसने भूत देखा था और वो कोई ट्रिक नहीं थी उसके दिमाग की, यानी उसके दिमाग का वहम नहीं था, वो सच में कुछ भूत जैसा था। और एक बार फिर महेंद्र घबरा गया कि कल रात को जब मैं रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, थोड़ा बहुत मैं घबरा गया था, तो इसने देखा मुझे, ईश्वर ने भी देखा था, इस कारण से वो बात थी जो वो झूठ नहीं थी, वो सही थी। तो इस कारण से वो जल्दी से वहां से चला गया और अपनी नौकरी से उसने रिजाइन कर दिया। उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और वहां से वो छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, क्योंकि उस हॉन्टेड प्लेस पे, उस एक ऐसी जगह जहां पर भूत हो, वो ऐसी जगह पर एक दिन भी रुकना नहीं चाहता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईश्वरन की कहानियों ने किस प्रकार जो महेंद्र जैसे व्यक्ति की नौकरी से उसको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। तो ये था हमारा चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।